भैया को रोकना बहुत जरूरी है। आज उन्हें मुझे फंसाया, कल किसी और को फंसा सकते हैं। तूने रत्नेश भैया को पैसे देके मुझे बचा तो लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। रत्नेश भैया जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। मुझे उसे किसी भी हालत में रोकना है। तुम लोग जाओ, मैं पुलिस के साथ उनके ठिकानों पर रेड करवा के आता हूं। गौरी बेटा, बेटा चलो निकलते हैं, सब लोग आ गए हैं, आ जा। क्या कर रहे हो तुम? कमाल है गौरी, पूरी कायनात ये चाहती है कि राम और गौरी का मिलन हो जाए। अब तक मैं सिर्फ रेवती की वजह से चुप थी राम, लेकिन अब मुझे लगता है कि रेवती से तुम्हारी असलियत छुपाकर मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। उस बेचारी को भी तो पता चले कि उसका पति परमेश्वर कितना बड़ा ढोंगी है। मैं इसी वक्त जाकर सबको सब कुछ सच बता दूंगी। तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगी गौरी, समझी? रुद्र जितनी चाहे कोशिश कर ले पुलिस को समझाने की कि वो बेकसूर है, एक बार ये सबूत पुलिस के हाथ लग गए उसकी बात का कौन यकीन करेगा? पर उसे जेल जाने से सिर्फ तुम रोक सकती हो। सिंपल सी बात है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। गौरी बाप, राम आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं गौरी को कमरा दिखा रहा था और पूछ रहा था सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। गिरफ्तार कर लो इन सबको। सारा माल जब्त कर लो। इंस्पेक्टर साहब, आप जानना चाहते थे ना कि ड्रग्स के रैकेट में मेरे साथ और कौन कौन था? ये था मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं? सारे सबूत इस कमरे में छोड़ दूंगा। अब ये सारे सबूत पुलिस के पास पहुंचेंगे और जिस पल ये सबूत पुलिस के पास पहुंचे उसके अगले पल रुद्र जेल में होगा और इसके बाद मुझे तुम्हें पाने से कोई नहीं रोक सकता। कितने में भैया? क्या ये सच है कि आप किसी और से प्यार करते हैं? हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूं और करता रहूंगा। कौन है वो बच्चलन औरत? उसे इस नाम से बुलाने की जरूरत फिर कभी मत करना।